हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस किताब से लिया गया है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। त्योहारी सीजन में आरबीआई का झटका, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट के इजाफे से बढ़ेगी आपकी ईएमआई। जी हां, त्योहारी सीजन में आरबीआई ने ईएमआई चुकाने वालों को झटका दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.90% कर दिया है। बता दें कि इससे पहले रेपो रेट 5.40% पर था। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक के बाद गवर्नर शशिकांत दास ने ऐलान किया। बता दें कि इस बढ़ोतरी से सभी तरह के लोन अब महंगे हो जाएंगे। मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति के 6 में से 5 सदस्यों ने नीतिगत दर में बढ़ोतरी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये हालात कोविड महामारी और रूस यूक्रेन की लड़ाई के झटके के बाद एक और तूफान वैश्विक केंद्रीय बैंकों के आक्रामक मौद्रिक नीतियों में चलते पैदा हुआ है। बता दें कि इसके अलावा आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के ग्रोथ अनुमान को भी 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। ई कॉमर्स कंपनियों ने 4 दिनों में बेच दिए 11,000 करोड़ रुपए के मोबाइल। महंगे फोन ज्यादा खरीद रहे हैं लोग। जी हां, ई कॉमर्स कंपनियों ने त्योहारी सीजन की सेल के पहले 4 दिनों में 24,500 करोड़ रुपए का माल बेचा है। कंसल्टिंग फर्म रेडसीर की रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि के दौरान बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो ने हर मिनट में लगभग 1,100 मोबाइल फोन बेचे हैं जिनका मूल्य 11,000 करोड़ रुपए के करीब है। इसमें सबसे अधिक प्रीमियम कैटेगरी में बिक्री हुई है। रेडसीर ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि महज 4 दिनों में लगभग 60 से 70 लाख मोबाइल फोन बेचे गए हैं और ई कॉमर्स बिक्री के एक बड़े हिस्से को चलाने के लिए इस कैटेगरी ने सकल व्यापारिक मात्रा यानी जीएमवी में 10 गुना वृद्धि दर्ज की है। रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जो अपग्रेड प्रोग्राम्स और वैल्यू ऑफर्स द्वारा समर्थित नए लॉन्च से प्रेरित हैं। इसके अलावा आईफोन 12, 13 और OnePlus मॉडल जैसे प्रीमियम फोन ने बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मोबाइल की बिक्री बढ़ा दी है। सेंट्रल विस्टा में शेरों के मुख खुले रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर, कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं। जी हां, आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा यानी कि नए संसद भवन में लगे हुए खुले मुंह वाले शेरों के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शेरों के प्रतिमा के डिजाइन को सही करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रतिमा किसी भी तरह राष्ट्रीय प्रतीक कानून के विपरीत नहीं है। इस तरह से सेंट्रल विस्टा में शेरों के मुंह खुले रहेंगे। नए संसद भवन में खुले मुंह वाले शेरों के राष्ट्रीय प्रतीक के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने याचिकाकर्ता को कहा कि क्या आप ये तय करेंगे कि कैसे प्रतीक हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको जैसे देखेंगे वैसा ही दिखेगा, ये देखने वाले के विवेक पर निर्भर करता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने यह दावा किया था कि इसका डिजाइन भारत के राज्य प्रतीक अनुचित उपयोग के खिलाफ निषेध अधिनियम 2005 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने खुले मुंह के शेरों की प्रतिमा को सही करने के निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने इसे प्रतीक चिन्ह 2005 के नियम का उल्लंघन बताया और कहा कि इससे राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंची है। 1 अक्टूबर से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को टोकन बनाना जरूरी। जी हां, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए 1 अक्टूबर से कुछ नियम बदलने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम लागू करने जा रहा है। आरबीआई का कहना है कि इस नियम के लागू हो जाने से कार्ड होल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा। इतना ही नहीं, टोकनाइजेशन सिस्टम के लागू हो जाने से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। नए नियमों के लागू हो जाने के बाद आप जब भी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपके कार्ड डिटेल्स एनक्रिप्टेड टोकन्स के रूप में स्टोर होंगे। इसका मतलब है कि अगर आप कार्ड टोकनाइजेशन नहीं करते हैं तो आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और ई कॉमर्स वेबसाइटों पर पहले से सेव कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेमेंट कंपनियों को 30 सितंबर 2022 के बाद लोगों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डेटा मिटाना होगा।
पेमेंट कंपनियों को अब कार्ड के बदले एक वैकल्पिक कोड देना होगा जिसे टोकन नाम दिया गया है। ये टोकन यूनिक होंगे और कई कार्ड के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए सीधे कार्ड का इस्तेमाल न करके यूनिक टोकन यूज करना होगा। साफ है कि नए नियमों के लागू हो जाने के बाद कार्ड से पेमेंट करना आसान हो जाएगा। RBI का दावा है कि नए नियम से ऑनलाइन फ्रॉड के खतरे कम होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने दाखिल किया नामांकन। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे के नामांकन के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी, पवन बंसल, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चौहान, अविनाश पांडे, मनीष तिवारी, राजीव शुक्ला और रघुवीर मीणा समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खड़गे की तरफ से पर्चा दाखिल किए जाने के बाद CM गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि शशि थरूर नामांकन वापस ले सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अशोक गहलोत के नाम की चर्चा जोरों पर थी। हालांकि राजस्थान में सियासी उठापटक के बाद गहलोत का नाम बाहर हो गया। इंस्टाग्राम पर दुनिया के चौथे सबसे महंगे खिलाड़ी बने विराट कोहली, बाकी खिलाड़ी करते हैं इतना चार्ज। जी हां, विराट कोहली क्रिकेट जगत में एक बड़ा नाम है और उनके नाम का दबदबा हर जगह है। हॉपर मुख्यालय सोशल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोहली अब प्रति इंस्टाग्राम पोस्ट पर 8 करोड़ रुपए चार्ज करने लगे हैं। वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और नेमार के बाद इंस्टाग्राम पर दुनिया के चौथे सबसे महंगे और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। हॉपर मुख्यालय सोशल रिच लिस्ट के अनुसार विराट कोहली 2022 में इंस्टाग्राम पर शीर्ष 4 सबसे अधिक कमाई करने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ियों में शामिल हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज की लिस्ट में उन्हें 14वां स्थान मिला है। इस प्लेटफॉर्म पर 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स एक पोस्ट के लिए 8.87 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वह सूची में टॉप 15 की लिस्ट में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं। बता दें कि पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो एक पोस्ट करने के लिए 19 करोड़ रुपए। तो दूसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी 14.5 करोड़ रुपए लेते हैं। सियासी पारी खेल सकते हैं राज्यपाल सत्यपाल मलिक, इस पार्टी में शामिल होने की है अटकलें। जी हां, मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सियासी पारी खेलने के संकेत दिए हैं और अब खबर है कि 30 सितंबर को राज्यपाल के पद से रिटायर होने के बाद सत्यपाल मलिक राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सत्यपाल मलिक 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के शामली में होने वाले किसान सम्मेलन में RLD प्रमुख जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे। इसके अलावा वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर अलीगढ़ में होने वाले किसान सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। हालांकि NDTV से बात करते हुए सत्यपाल मलिक ने चुनावी राजनीति करने और RLD में शामिल होने की खबरों से इनकार किया है, लेकिन इस दौरान मलिक ने BJP पर जमकर हमला बोला और किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरी BJP से खुली लड़ाई है। बता दें कि सत्यपाल मलिक RLD प्रमुख जयंत चौधरी के दादा और पूर्व PM चौधरी चरण सिंह के करीबी रहे हैं। साल 1974 में पहली बार चरण सिंह ने सत्यपाल मलिक को बागपत विधानसभा सीट से टिकट दिया था और वो विधायक चुने गए। हालांकि मतभेदों के चलते मलिक और चरण सिंह में दूरियां बढ़ गई। हम गरीब लोगों के अमीर देश, बयान वायरल होने पर गडकरी बोले, कुछ लोग ले रहे हैं आनंद। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि हम गरीब लोगों के अमीर देश हैं। गडकरी ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का नाम शामिल होने को लेकर यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक समृद्ध देश होने के बावजूद यहां के लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद और महंगाई का सामना कर रहे हैं। अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है, जिसे पाटने की जरूरत है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। गडकरी ने देश में 124 आकांक्षी जिलों को विकसित करने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया, जो कि सामाजिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ रहे हैं। उन्होंने भारत विकास परिषद से ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने पर काम करने की अपील भी की है। हालांकि गडकरी का ये बयान वायरल हो गया और सवाल भी उठने लगे कि क्या गडकरी अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनके बयान पर अलग अलग रिएक्शन आने लगे, जिसके बाद गडकरी ने सफाई देते हुए कहा कि यह जानकर दुख हुआ है
है कि एक बार फिर हमारे समाज और राष्ट्र की समस्याओं के बारे में मेरे बयान को संदर्भ से बाहर कर दिया गया है। कुछ लोग इसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन यह केवल गलतफहमी पैदा करने के लिए है और कुछ नहीं। कूनो पार्क में चीतों की सुरक्षा करेंगे जर्मन शेफर्ड, आईटीबीपी के जवान दे रहे हैं ट्रेनिंग। जी हां, नामीबिया से लाए हुए चीतों को अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो वो है शिकारी। ऐसे में सरकार इन चीतों की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम कर रही है। दरअसल सरकार ने कूनो जंगल में छोड़े गए 8 चीतों की सुरक्षा के लिए जर्मन शेफर्ड कुत्तों को तैनात करने का फैसला किया है। इसको लेकर आईटीबीपी के जवानों ने कुत्तों को ट्रेनिंग देने भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में आईटीबीपी के जवान 6 जर्मन शेफर्ड कुत्तों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन सभी को इस तरह से ट्रेन किया जाएगा ताकि शिकारी चीतों से दूर रहे। आईटीबीपी के आईजी ईश्वर सिंह दुहन का कहना है कि कुत्तों में सूंघने की क्षमता काफी होती है, ऐसे में शिकारियों की पहचान ज्यादा अच्छी तरीके से की जा सकती है। उनका कहना है कि जंगल में शिकारी काफी एक्टिव रहते हैं क्योंकि जानवरों को मारने के बाद शिकारियों को मुंहमांगी रकम मिलती है। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी की पहल पर नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए हैं। इन सभी को कूनो पार्क में रखा गया है, लेकिन चिंता की बात ये है कि कहीं इनका शिकार ना हो जाए। ऐसे में चीतों को बचाने के लिए सरकार ने ये खास रणनीति तैयार की है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वी झारखंड, ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, पूर्वी बिहार, सिक्किम, तमिलनाडु, केरल और पूर्वी गुजरात और तेलंगाना में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार, अधिकतर लोग तब प्रयास छोड़ देते हैं जब वे सफलता के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।